नमस्कार दोस्तों, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी जो नंबर्स मैथमेटिक्स में आप जिन नंबरों से आपकी पहचान होती है, जिन नंबरों को आप देखते सुनते हैं, वो नंबरों के अलग अलग नाम है और उनके अलग अलग समूह है, यानी अलग अलग वो ग्रुप में है। तो कितने तरह के नंबर्स आप जानते हैं और देखते हैं, उनमें से कुछ मैं लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है होल नंबर की। और तीसरे नंबर पर आता है इंटीजर्स। चौथे पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स, उसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। और उसके बाद फिर इरेशनल नंबर्स। और फाइनली लास्ट में आता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं जिनसे आपकी पहचान होती है वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब देखिए, इनको इनको साइन इनको जानने के लिए एक चिन्ह बनाया गया है, एक तरीका बताया गया है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये डबल लाइन से ये बताते हैं कि ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। इसी तरह से होल नंबर को डब्लू से, इंटीजर को आई से या जेड से इसे दिखाते हैं, और रेशनल नंबर को क्यू से, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से, और रियल नंबर को कैपिटल आर से। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये नंबर्स हैं क्या और कैसे ये दिखते हैं, या इनका अलग अलग क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और ये नंबर्स आप जानते हैं कि आप जब मैथमेटिक्स पर काम कर रहे होते हैं या क्वेश्चंस हल कर रहे होते हैं तो इन नंबरों से आपका परिचय होता है। ये नंबर्स अक्सर बार बार आते हैं। अब ये नंबर अलग अलग इनके कैटेगरीज है, और ये अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, और जहां पर ये सारे नंबर एक साथ जिस कैटेगरी में आते हैं उसी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। यानी रियल नंबर्स में ये सारे नंबर इंक्लूड हैं। अब आप बताइए कि हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे नेचुरल नंबर की। देखिए, नेचुरल नंबर्स की हम बात किए थे, और नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस नंबर की बात प्राकृतिक नेचुरली लोगों के अंदर आई थी। यानी नंबर्स को लोग काउंट करते थे, इसको एक दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स भी, तो इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग क्यों कहते हैं कि जब भी कोई चीज काउंट करना होता था तो लोग यहीं से शुरू करते थे, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आगे तक ये जाते थे। तो नेचुरल नंबर का नाम काउंटिंग नंबर भी है। ये कैसा दिखता है, तो देखिए, ये कैपिटल एन से इसे दिखाते हैं, और इसके सेट में जो नंबर्स आते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और ये अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। और सबसे खास बात यह है कि नेचुरल नंबर को फिर तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, और वो तीन कैटेगरी क्या क्या है, इस नंबर को तीन कैटेगरी में बांटा गया। और पहली कैटेगरी है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। दूसरे को अकेले वन को रखा गया, यानी वन ना तो प्राइम नंबर है और ना तो कंपोजिट नंबर, और दूसरे तीसरे को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर पर ही ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर ये डिफाइन है। यानी प्राइम नंबर यानी अभाज्य और भाज्य संख्याएं कहां पर परिभाषित है, नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। तो नेचुरल नंबर पर, नेचुरल नंबर को हम लोग ये तीन पार्ट में बांट सकते हैं। नेचुरल नंबर को अगर एक निकाल दें तो वो पूरा नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर में, या तो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की, कि वो नंबर कैसे दिखते हैं। तो होल नंबर,
अब बात हम लोग करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर में देखिए इसको W से दिखाते हैं और इसमें ये नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ये नंबर जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, बस जीरो इसमें और इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट नंबर का सेट है, वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए जेड यानी ये इंटीजर्स ये कैसे होंगे, तो इंटीजर में क्या होता है ना कि माइनस वाले जितने नेचुरल नंबर्स हैं और जीरो है, ये सब माइनस के साथ भी नेचुरल नंबर आएंगे और प्लस के साथ भी, और उसमें जीरो भी रहेगा। तो देखिए अगर इन्हें माइनस इनफाइनाइट की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री और ये अप टू प्लस इनफाइनाइट तक जाता है, यानी इसमें सारे नेचुरल नंबर माइनस के साथ भी है और प्लस के साथ भी है, और बीच में देखिए जीरो एक आ गया है, जीरो और इसमें इंक्लूड हो गया है, ये जो जीरो है ये आ गया है इसमें इंटीजर में। अब इंटीजर फर्दर दो कैटेगरी में और डिवाइड हो जाता है, वो क्या कैटेगरी है कि पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होते हैं कि वो सारे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव हो, यानी वन टू थ्री फोर फाइव और ये अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी तरह से निगेटिव इंटीजर्स में क्या होते हैं, ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। तो निगेटिव इंटीजर्स में माइनस वाले सारे नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस वाले सारे नंबर वन से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब आप एक बात ध्यान देने की बात है कि इसमें जीरो नहीं है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स में भी जीरो नहीं है और निगेटिव इंटीजर्स में भी जीरो नहीं। तो जीरो क्या है भाई, जीरो सिर्फ इंटीजर है, न तो वो पॉजिटिव है और न तो वो निगेटिव है, तो जीरो सिर्फ इंटीजर है यानी सिर्फ पूर्णांक है, इंटीजर को पूर्णांक भी कहते हैं। तो जीरो को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, वो पॉजिटिव और निगेटिव के कैटेगरी में नहीं आता। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो इंटीजर है, इंटीजर पर ही इवन और ऑड नंबर डिफाइंड है, तो इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इंटीजर पर ही डिफाइंड किया गया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर की। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन करने ज्यादातर लोगों को या स्टूडेंट्स को रेशनल नंबर के डिफिनेशन सही से मालूम नहीं होती। आज आपका ये रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं पी वाई क्यू के रूप में, और सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर और Q does not equal to zero, यानी P और Q के रूप में रेशनल नंबर को लिखेंगे, और P और Q कहां से लिए जाएंगे, Z से, Z means इंटीजर से लिए जाएंगे, और एक शर्त और लगा दी गई कि Q जो है जीरो नहीं होगा। तो ये किस तरह के नंबर दिखाई देंगे, देखिए अगर तीन को लिखना है तो तीन को हम लोग थ्री बाई वन भी लिख सकते हैं। अब ये जो थ्री है वो P है और Q जो है वन के बराबर है। इसी तरह अगर माइनस थ्री को लिखना है तो अगर हम इसको माइनस थ्री अपान वन भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए सारे नेचुरल नंबर्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स को थ्री अपान वन टू अपान वन फाइव अपान वन, तो सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए ये इंटीजर है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को माइनस थ्री बाई वन लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स जो निगेटिव है उनको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, सारे नेचुरल नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा 2 बाई थ्री भी लिख सकते हैं आप, यानी p की वैल्यू अगर आपने 2 ले लिया और q की वैल्यू 3 ले लिया तो ये p बाई क्यू हो गया। अब देखिए आप 9 बाय 5 16 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में हो सकता है। तो ये सारे नंबर्स भी इसमें आ गए, तो ये सारे नंबर्स यानी पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स, पूरा का पूरा इंटीजर, पूरा का पूरा होल नंबर, ये सब कहां आ गए, रेशनल नंबर्स में आ गए। तो रेशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, इसके अलावा ये नंबर्स भी आएंगे, यानी 0.5 भी आप लिख सकते हैं, 0.6666 इस तरह से जो रिपीटेड नंबर है, रिपीटेड डिजिट्स आते हैं यानी पुनरावृत्त वाले जो अंक होते हैं उनको भी आप रेशनल नंबर्स के अंतर्गत
लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स रेशनल कहलाएंगे। अब एक कंफ्यूजन आता है कि भाई अगर हम लोग अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री भी तो लिखते हैं तो क्या ये रेशनल नंबर है? अरे भाई ये जो इसको अगर हम पी माने इसको अगर क्यू माने तो ये P और Q कहां से लिए गए? इंटीजर से। तो अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री इंटीजर्स नहीं है, इसलिए अंडर रूट थ्री बाई अंडर रूट टू बाई अंडर रूट थ्री ये रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। तब क्या होंगे भाई? तो अगली बात हम लोग करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स की। तो चलिए इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की डिफिनेशन क्या भाई? वे नंबर जो रेशनल नहीं हो सकते वो सारे नंबर इरेशनल होंगे, यानी जो रेशनल नहीं हो सकते वही इरेशनल है। तो ज्यादातर इसमें वे नंबर्स हैं जो रेशनल नहीं है। तो देखिए अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट सेवन या क्यूब रूट फाइव या क्यूब रूट सेवन इस टाइप के जो नंबर्स होंगे जिनको आप पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स में आते हैं। इसमें पाई भी आता है, यानी दशमलव के बाद ऐसे अंक जो खत्म भी नहीं हो रहे हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग है, वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, उनका डेसिमल खत्म नहीं होता, वो रिपीट भी नहीं करते हैं। तो पाई भी आता है इसी में, ई भी आता है। अब एक और कंफ्यूजन होता है भाई 22/7 इसको लोग पाई के बराबर मानते हैं, तो 22/7 तो रेशनल नंबर हो जाता है जबकि पाई नहीं है। तो 22/7 रेशनल नंबर है और पाई के ये बराबर नहीं है, पाई के लगभग बराबर है, इसलिए ये ज्यादातर कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई 22/7 तो रेशनल नंबर है जबकि पाई इरेशनल नंबर है। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि पाई इरेशनल नंबर है जबकि 22/7 रेशनल नंबर है। 22/7 जो है यानी 22/7 जो है पाई के वैल्यू के बराबर नहीं है बल्कि ये नियर अबाउट वैल्यू है। तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। देखिए रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स को रेशनल नंबर्स और प्लस इरेशनल नंबर्स के योग को यानी इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तब रियल नंबर बन जाता है। अब इसको हम लोग एक पिक्चर से आपको समझाने का मैं प्रयास करूं कि ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री को मैं रियल नंबर्स मान लूं और इस बाउंड्री के अंदर एक बड़ा सा सर्किल है। ये जो बड़ा सर्किल है ये क्यू है यानी रेशनल नंबर है। इस क्यू के अंदर जेड यानी इंटीजर समाया हुआ है, इंक्लूड है, और इस जेड के अंदर होल नंबर समाया हुआ है और इस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर समाया हुआ है। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर इंटीजर के अंदर है, इंटीजर का पूरा रेशनल नंबर के अंदर है। और ये देखिए ये जो खाली स्थान चारों तरफ बच रहा है ये सब खाली स्थान जो ये सर्किल के बाहर है, ये सर्किल के बाहर वाला जो नंबर है ना इसी यही क्यू डैश है यानी यही इरेशनल नंबर है। जो ये सर्किल के बाहर है और रेशनल नंबर यानी ये क्यू और इरेशनल नंबर से ये पूरी बाउंड्री जिससे घिरी है इसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों के नंबर समाये हुए हैं। तो रियल नंबर ये है और हम लोग सारी ये संख्याएं जो है मैंने आपको बताया था जो ऊपर हमने लिखा हुआ है वो रियल नंबर के अंतर्गत आती है। और रियल नंबर में आपने देखा कि अलग अलग संख्याओं की एक कैटेगरी है और अलग अलग कैटेगरी में कुछ संख्याएं डिफाइन की गई है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको क्लासिफिकेशन आप नंबर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।